हेलो एवरीवन, सुबह के भागदौड़ में सभी चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट हेल्दी भी हो और झटपट से बन जाए। तो चलिए आज हम ऐसा ही कुछ हेल्दी बनाते हैं, सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से। बस ये परफेक्ट टेस्ट और टेक्सचर वाला बनने के लिए इसके मेज़रमेंट्स आपको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हमें आधा कप घी लेना है, लेकिन ये ध्यान रखें इस तरह गाढ़ा घी है तो आधा कप, और पिघला हुआ घी अगर आप ले रहे हैं तो वो 3/4 कप लेंगे। और इसे लो फ्लेम पे गरम करेंगे। अब इसमें एक कप गेहूं का आटा डाला है और इसे अच्छी तरह से हम लगभग 5 से 7 मिनट के लिए सेक लेंगे। इसको लो फ्लेम पे ही सेकना है और कंटिन्यू इस तरह से इसे हिलाते रहना है। इसे अच्छी तरह से सेकना बहुत ज़रूरी है, तभी ये एकदम परफेक्ट टेक्सचर वाला दानेदार बनेगा, नहीं तो खाते वक्त ये मुंह में चिपकेगा। जनरली हम आटे की अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो जो मोटा आटा आता है या जिससे बाटी बनती है, उस तरह का आटा जो आता है उसी से बनाते हैं। लेकिन अभी मैंने ये जो नॉर्मल जो आटा रहता है जिससे हम रोटी बनाते हैं रोज़, वही आटा लिया है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, इसे हम इस तरह से अगर सेकेंगे अच्छी तरह से तो ये भी दानेदार बनेगा, जैसा मोटा आटा रहता है ये उस तरह से हो जाएगा। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें तब तक सेकना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाएगा। और साथ ही आपको बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लगेगी। इसका कलर देखिए यहाँ हल्का सा चेंज भी हो गया है और मुझे इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है और अब ऐसा लग रहा है कब ये जल्दी से बनेगा और इसको खाएंगे। तो अब ये अच्छी तरह से सेक लिया है और अब हम इसमें 3/4 कप शक्कर डालेंगे। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1 कप शक्कर डाल सकते हैं इसमें, लेकिन हम थोड़ा सा कम मीठा खाते हैं इसलिए मैंने 3/4 कप ही डाली है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये शक्कर अपने आप इसमें घुल जाएगी। इसमें शक्कर भी जो रोज़ की घर में रहती है, जिसको चाय में डालते हैं दानेदार शक्कर, वही शक्कर डाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें शक्कर का बूरा या फिर पीसी हुई शक्कर डालनी है। अब शक्कर इसमें लगभग मेल्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें पहले 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं, और इसे देखिए अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इकट्ठा अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सूखा लग रहा है, मैं इसमें 1/2 कप और पानी डाल रही हूँ। और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके बस 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, और आप यकीन मानिए आप इसे घर में एक बार बना के देखिए, आप बार बार बनाएंगे। इसमें अच्छा और टेस्ट आने के लिए मैंने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप टेस्ट के लिए डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अब ये बहुत ही पौष्टिक आटे का हलवा बनके तैयार है। इसे गरम गरम खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।